बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। बालों की किचन में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीवर्स, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ स्पेशल ईद के लिए लेके आई हूँ। वीवर्स, ये ईद के लिए खास तोहफा है मेरी तरफ से आप सब बहनों के लिए। जिन बहनों के बाल जल्दी यानी उम्र से पहले ही व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं, ये उनके लिए मैं लेके आई हूँ। क्योंकि अभी ईद आने में तकरीबन एक माह या एक माह दस दिन रह गए हैं, तो आप इसे घर पे लाजमी बनाइएगा और ईद तक तकरीबन एक दिन छोड़ के और एक दिन इसको बालों में लगाइएगा। अब कोशिश करें कि आप इसे डेली बालों में लगाएं, रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के नहा लें, तो देखिएगा ईद तक आपके बाल जो व्हाइट बाल है वो ब्लैक आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसके लिए मैंने क्या क्या चीजें ली है। जी व्यूअर्स, अनार के छिलके लेंगे 100 ग्राम। ये आपको बहुत इजीली बाजार से मिल जाएंगे, पंसारी वाली शॉप से। ठीक है, अगर अनार का मौसम है, अनार बाजार से मिल रहे हैं, तो आप उसके बीज निकाल के इसे धूप में कुछ कर सकते हैं। सरसों का तेल लेंगे 200 ml। कलवंजी पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून। खुश्क मेहंदी के पत्ते लेंगे 2 टेबल स्पून। ये भी आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएंगे। जी लीवर्स, ये देखिए मेरे पास बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक सॉस पैन है, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। ठीक है, सबसे पहले आज मैं इसमें आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो बनाने लगी हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, दूसरी साइड पे हम चलते हैं, इन चीजों को ब्लेंडर में डालेंगे। इन सभी को ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। व्यूअर्स, मैंने इससे ग्राइंड कर लिए है। अब हम इसे छाननी से छान लेंगे, ताकि ये देखिए अभी इसमें थोड़े थोड़े से ये पीस हैं जो कि बहुत हार्ड हैं, ये नहीं हो रहे। अब ऐसे छाननी से छान लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अभी थोड़ा सा और गर्म हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे। हम इसलिए छान रहे हैं कि देखिए अगर ये मोटे मोटे इसके अंदर रह जाएंगे ना ये पीस, ठीक है, वो बालों में आ जाएंगे और जिससे बाद में जब हम रात को लगा के सोएंगे तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसे छानना बहुत जरूरी है। स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, फ्लेम ऑफ कर देंगे। जी ये देखिए, इसे तो मैंने छान लिया। हाँ, बस एक गरम गरम ये सरसों के ऑयल में हम इसे डाल देंगे। गरम गरम में डालेगा, ठंडा नहीं करना, इस तरह उसका असर नहीं ज्यादा आएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब ये देखें, ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसे इस तरह के किसी जार में डाल देना है और एक ओवरनाइट रखना है, उसके बाद आपने इसे लगाना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसे तकरीबन एक घंटे के लिए इस तरह किचन काउंटर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। क्योंकि अगर हमने गरम गरम इसमें डाला ना ये शीशे वाले बाउल में, तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसे एक घंटे के लिए हम किचन काउंटर पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो व्यूअर्स, आपने इसे घर पर जरूर ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जो मेरा नुस्खा है लाजमी पसंद आया होगा। जी व्यूअर्स, मैं इसी तरह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त से नुस्खे लेके आऊंगी। ठीक है, तो आपने उन्हें घर पर जरूर ट्राई करना। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस रेसिपीज कैसी लगती हैं। जी व्यूअर्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और अपने कीमती फीडबैक जरूर दिया करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घरों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।